नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नित्या स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। अगर आपसे पूछा जाए कि कब हुआ तो आप बताएंगे 1789 ईस्वी में। तो भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने 1789 ईस्वी में किया, ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जंगल बुक पुस्तक के लेखक हैं रूडयार्ड किपलिंग। इसका आंसर है रूडयार्ड किपलिंग, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमारा, बेलम चर्मपत्र क्या है? ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, बेलम पशुओं की खाल से बनी चमड़े की सतह है जिस पर लेखन पत्र किया जाता है, मतलब जिस पर लेखन मतलब जिस पर लिखा जाता है, लिखने का काम किया जाता है, उसे हम बेलम चर्मपत्र कहते हैं। फिर अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्टेपलर कॉमा फुलर क्या है? तो सबसे पहले हम आपको स्टेपलर के बारे में बताते हैं। स्टेपलर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपलर करता है या छाटता है। मतलब स्टेपलर जो हम लोग कॉपी में करते हैं स्टेपलर, उसको कहते हैं स्टेपलर करना। और बस, और रेशों के हिसाब से उनको स्टेपलर करना है, स्टेपलर करता है या उसको छाटता है। फिर दिया गया फुलर के बारे में, फुलर दिया गया है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी कपड़े को समेटता है, मतलब जो व्यक्ति काम को पूरा करता है और कपड़े को अच्छे तरीके से समेटता है, उसे हम फुलर कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई? तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों चुना? तो इसका आंसर है, गांधी जी का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से चलता है, अगर अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन हिल जाएगी और स्वराज की स्थापना होगी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा होना है तो इसे हम भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, 1822 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा, मोसनी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, आखिरी क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो इसका आंसर है, फ्रेडरिक सॉरियू ने। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।